नहीं बनेंगे तो निकाल के दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब मैं अपनी आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की बिरयानी, और मैं सारी रेसिपीज़ जो हैं वो अपनी अपडेट्स कर रही हूँ। जितनी मेरी ओल्ड थी उनको मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी क्विक तरीके से बताऊँगी कि चिकन की बिरयानी कैसे तैयार होती है। इसकी मैं ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके तो आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से बिरयानी तैयार होती है। बिरयानी मैं तैयार कर रही हूँ एक चिकन की, जिसके मैंने पीसेस यहाँ पे करवा के रख लिए थे। नॉर्मल पीसेस करवाइएगा, ना छोटे ना बड़े ज़्यादा हों, तो ताकि आपकी बिरयानी में इसके पीसेस जो हैं इस तरह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, प्याज जो है मैंने वो तकरीबन 5 लिए थे नॉर्मल साइज़ के, उसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, और बस उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ओके, बिरयानी में जो मसाला मैं ऐड करूंगी वो मसाला है हमारा सिंधी बिरयानी लजीज़ा का। हमेशा मैं बिरयानी जो है इसी के साथ रेडी करती हूँ, इसके अंदर कोई भी जिंजर गार्लिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता। साथ में मैं इसके साथ योगर्ट यूज़ करूँगी। जैसे जैसे जिस तरीके से मैं चीज़ें ऐड करती जाऊँगी मैं आप लोगों को शो करवाती जाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 ग्लास जो है वो चावल लिए, बासमती राइस है ये। बहुत अच्छी बिरयानी इसकी तैयार होती है, और हर दाना जो है इसका वो खिला खिला बनता है। तो मैंने इसको तकरीबन मसाला रेडी कर रही हूँ, उस देर तक मैंने इसको भिगोना जो है वो काफ़ी देर तक पड़ता है, तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको पहले से भिगो के रख दिए हैं। तो जब मेरी बिरयानी का मसाला तैयार होगा फिर मैं चावलों को बॉयल कर लूँगी। इतनी आसान बिरयानी तो कभी भी आपने नहीं बनाई होगी जितनी आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। प्याज देखें हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बस अब हमने क्या करना है इसमें, इसको निकालना नहीं है, डायरेक्ट जो है वो चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन को हमने भी इसके साथ, प्याज के साथ गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत जल्दी ये बिरयानी जो है वो हमारी रेडी होती है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके अंदर। अच्छा, चिकन जब थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए, देखिए मैं आपको पास करके दिखा देती हूँ, साथ ही हमने मसाला ऐड कर देना है। ये इसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं, ठीक है। मैं 4 ग्लास चावल बना रही हूँ तो मैं 2 पैकेट्स ही इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप जैसे हिसाब से अपने हिसाब से करेंगी, लाइक जैसे आप 2 ग्लास चावल है तो आपके लिए ये 1 पैकेट बहुत है, ठीक है। इसको अब हमने अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ना है, और इसी पानी में मसाले को हम भूनेंगे। हाँ जी, ये देखिए चिकन का कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। अब इस सूरत में मसाला डाले हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट्स हुए हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो योगर्ट ऐड करूँगी। 1 कप आपने योगर्ट ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। देखिए इसकी ऑलरेडी बिरयानी की जो शक्ल है वो कितनी ज़बरदस्त हो गई है, क्योंकि योगर्ट ने अपना पानी छोड़ना है तो इसी पानी में चिकन भी कुक होगा। और अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से मेरे पास आलू थे, थोड़े से ही थे, ख़त्म हुए हुए थे, मुझे पता नहीं था कि और हैं कि नहीं, जितने थे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि बिरयानी में आलू तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, ठीक है। पोटैटोज आप डाल सकती हैं, ये आपके ऊपर है, अगर आपने डालने हैं तो डालें, अगर आपने नहीं डालना तो ना डालें।
अच्छा, अब मैं इसको तकरीबन ढककर पकाऊंगी 10 मिनट्स के लिए, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। हाँ जी, चिकन को मैंने स्लो हीट पर रख दिया है, ये स्लोली स्लोली कुक होगा, बस इसी में जब इसका पानी ड्राई होगा तो मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। और साथ में ही मैंने इधर चावल जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, बस इसके अंदर आपने नमक डालना है, सॉल्ट ऐड करने के बाद बस इसको बॉयल होने देना है। तो बस ये देखिए, अब चिकन हमारा जो कोरमा है बिरयानी का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा मैंने कोई ख़ास चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो बस इसको मैंने लो हीट पे अभी रखा है। इधर मेरे चावल ऑलरेडी बॉयल हो रहे हैं, चावलों को हमने बस, ये देखिए कितना लंबा लंबा चावल है, तो अब इसका पानी निकालूंगी मैं। चावल जो है वो मैंने पानी इसका निकाल लिया, आधे चावल जो है मैं वो इसी के अंदर रहने दूंगी, बाकी आधे चावल मैंने रखे हैं इसकी लेयर लगाने के लिए। अच्छा, साथ में ही हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है बिरयानी के लिए, थोड़ा सा मैंने पानी लिया है ग्लास में, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो फूड कलर। उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा, चिकन का जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको चावलों में ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको हम चारों तरफ जो है वो फैला लेंगे। एक लेयर लगाई है मैंने, आप इसकी दो भी लगा सकती हैं जितना आपका दिल करे, लेकिन मैं बस एक ही लेयर लगाती हूँ इसकी। ठीक है, जो चावल मैंने बाकी बचा के रखे थे वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर देने। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने कवर कर लेना है। कवर करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ये कलर वो इस तरह से हमने डाल देना है, जो कि इसको बिरयानी को बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कलर देगा। तो पहले मैंने इसकी फुल हीट की हुई है ताकि हमने इसके अंदर स्टीम लगानी है, जब इसके अंदर स्टीम जमा हो जाएगी तो फिर हमने इसकी लो हीट कर देनी है। ये देखिए अभी ये फुल है, तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको फुल रखूँगी, जब इसके अंदर स्टीम आ जाएगी तो फिर मैं इसको लो कर दूंगी। तो बिरयानी हमारी जो है वो दम आ चुकी है, मैं इसकी लीड हटाती हूँ और आप ये देखिए इसकी शक्ल। अब मैं आपके सामने इसको मिक्स करूंगी, ये देखिए। ज़बरदस्त ये बिरयानी जो है ना तैयार हुई और आपके सामने देखे मैंने कितनी जल्दी इसको तैयार किया, कोई इसके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं हुए, कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त इसका कलर जो है ना वो आया। तो जी, हमारी ये चिकन बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है, आप देख सकती हैं मैंने कितने आसान तरीके से आपको इसकी रेसिपी दी है। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।